नमस्कार आदाब, मैं महावीर आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीवुड कैलेंडर डॉट कॉम के नए सेगमेंट में जिसका नाम है जीवन यात्रा। आज हम बात करेंगे प्रतीक गांधी के बारे में। प्रतीक गांधी भारतीय थिएटर फिल्म अभिनेता हैं, साथ ही ज्यादातर गुजराती फिल्में और थिएटर किया करते हैं। आज बात इनकी इसलिए क्योंकि हाल ही में सोनी लिप पर आई एक वेब सीरीज स्कैम 1992 में इन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया, जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहता अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। हट्टू जिगरा झाड़ों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा, छाती पर लेकर घूमना पड़ता है, समझा? अरे तारक मेहता, हर्षद मेहता। वैसे आपको बता दें, प्रतीक गांधी का जन्म गुजरात के सूरत में 7 जुलाई 1980 को हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं। प्रतीक का एक प्रतिभाशाली भाई भी है जिनका नाम पुनीत गांधी है और जो एक डिजाइनर है। प्रतीक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भुलका भवन स्कूल सूरत से पूरी की है। प्रतीक का सपना था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने और मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम करें, लेकिन कम नंबर होने के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। फिर उन्होंने मुंबई में औद्योगिक इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय किया। उन्होंने इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से पूरी की है। स्नातक की डिग्री करने के बाद प्रतीक को रिलायंस इंडस्ट्री में इंजीनियर का काम मिल गया। फिर दिन में अपनी नौकरी करते थे और शाम के समय थिएटर। आपको बता दें, प्रतीक ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सतारा पुणे में भी काम किया और इसके बाद इन्होंने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मुंबई में भी काम किया। बात करें इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो टेलीविजन और थिएटर अभिनेत्री भामिनी ओझा से 2009 में इन्होंने शादी की। प्रतीक और भामिनी की एक बेटी भी है जिनका जन्म 2014 में हुआ, जिनका नाम मियारा है। प्रतीक को विप्रा रावल, फिरोज भगत और अपरा मेहता के साथ आ पार के पाले पार नाम के गुजराती नाटक में काम करने का अवसर मिला। यह नाटक बहुत ही सफल रहा। प्रतीक को गुजराती रंगमंच के एक अन्य कलाकार मनोज शाह के साथ अभिनय करते हुए दिखाया गया। प्रतीक ने बायार नाम की गुजराती फिल्म में भी काम किया और यह फिल्म भी एक सफल फिल्म रही। प्रतीक ने कई नाटकों में अपनी भूमिकाएं अदा की और इन सभी में प्रतीक का अभिनय देखने योग्य है। आपको बता दें, प्रतीक ने अपने अभिनय के दम पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। यह रिकॉर्ड मोहंस मसाला नाम के नाटक में प्रतीक ने एक ही दिन में 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती का एक मोनोलॉग का प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था। इसके बाद प्रतीक ने रॉन्ग साइड राजू नाम की फिल्म में भूमिका निभाई, जो फिल्म बहुत ही सफल हुई। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट गुजराती फिल्म भी जीता। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन को दर्शाती ड्रामा वेब सीरीज स्कैम 1992 2020 की बहुत बड़ी हिट हुई। इस वेब सीरीज ने प्रतीक की पहचान पूरे भारत में करवा दी और इसीलिए आज हम जीवन यात्रा में प्रतीक गांधी के बारे में बात कर रहे थे। हम आशा करते हैं यह अभिनेता अपने अभिनय करियर में 7वें आसमान तक जाए, ढेर सारे अवार्ड्स इनके नाम आए। तब तक आप देखते रहिए बॉलीवुड कैलेंडर डॉट कॉम मेरे साथ। नमस्कार।